प्रीवियसली हमने सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन के स्टेप्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट थ्री स्टेप्स कर लिए थे। फर्स्ट स्टेप में हमने काउंटर सीक्वेंस डिसाइड की थी और उसके हिसाब से स्टेट डायग्राम बनाई थी। ठीक है, दिस इज द स्टेट डायग्राम। हमने यहाँ पे ग्रे काउंटर कंसिडर किया और उसकी सीक्वेंस यहाँ पे अप्लाई कर दी। अच्छा, अब ये ग्रे काउंटर के लिए अगर याद हो, मैंने आप लोगों को कोड कन्वर्टर बताया था किस तरह से बन सकता है। तो ग्रे काउंटर की काउंटिंग याद नहीं भी है तो इट्स फाइन, आप उस कोड कन्वर्टर के थ्रू नॉर्मल बाइनरी काउंटिंग को ग्रे काउंटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप में काउंटर सीक्वेंस और स्टेट डायग्राम आ गई। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट स्टेट टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेट टेबल का मतलब ये था कि एक तो बाइनरी का नॉर्मल टेबल है हमारा, जो भी काउंटिंग है उसका, यहाँ ग्रे काउंटिंग है, उसका टेबल बन गया। ठीक है, वो है प्रेजेंट स्टेट को फॉलो करते हुए। सेम वही टेबल हम क्या करेंगे, बनाएंगे बट नेक्स्ट स्टेट को लेते हुए। तो जो स्टेट प्रेजेंट स्टेट में आ रही है फर्स्ट, उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, वो राइट पे आ जाएगी। फिर उसकी नेक्स्ट क्या होगी, वो राइट पे आ जाएगी। तो इस तरह से हम, हमारे पास क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेट टेबल डिजाइन हो जाएगा। देन स्टेप थ्री की अगर हम बात करें, तो स्टेप थ्री के अंदर हमने क्या किया था, ट्रांजिशन टेबल बनाया था, जिसके अंदर हमने बताया था कि फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ये पार्ट बताने का मकसद ये था कि ये जो ट्रांजिशन टेबल है, ये टेबल हमारे पास सेम रहेगा फॉर ऑल फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, तो इस वजह से ये जो स्टेप थ्री था हमारा, इसके अंदर ये टेबल थोड़ा सा क्या होगा, इस टेबल को याद रखना जरूरी होगा, तभी काउंटर डिजाइन हो सकता है। इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट्स आ रही थी कि भाई अगर आउटपुट पे हमारे पास प्रेजेंट से नेक्स्ट स्टेट जाए तो उस टाइम फ्लिप फ्लॉप पे क्या होना चाहिए। तो हमारे पास जब फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास आउटपुट 0 आ रहा है और मैं नेक्स्ट स्टेट भी 0 आ रही है, तो उधर हमें पता है कि इस सिचुएशन में हमारे पास यूजली जे पे 0 होता है। ठीक है, और के पे हमने डोंट केयर स्टेट अप्लाई की हुई है, इट कुड बी 0 या 1, आउटपुट यही रहेगा, नो चेंज। इसी तरह फिर नेक्स्ट पे था कि 0 से 1 अगर जा रही है तो उसमें क्या होगा, 0 से 1, तो उधर हमें पता है कि ये सेट ऑपरेशन हो रहा है जिसके लिए जे को 1 होना मस्ट है। जे 1 हो गया, अगेन के ऊपर डोंट केयर स्टेट। देन हमारे पास थर्ड पे हमारे पास आउटपुट अब 1 आ गया। अब मैं कहता हूँ 1 से इसको 0 जाना है, इट मीन्स रिसेट ऑपरेशन करना है। रिसेट ऑपरेशन के लिए हमें पता है के ऊपर 1 होना जरूरी है, तो इधर जे डोंट केयर पे आ गया और के ऊपर 1 आ गया। देन लास्ट हमारे पास है नो चेंज। नो चेंज हमारे पास उसी वक्त आएगा जब हमारे पास इनपुट्स पे, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, 0 प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि ये ट्रांजिशन हमारे पास रिसेट के बाद वाली है, तो यहाँ पे मैं के पे 0 रख दूँ और जे डोंट केयर रहे, तो उससे हमारे पास क्या होगा, उससे हमारे पास यहाँ पे ये रिक्वायर्ड ट्रांजिशन होगी। अब ये पार्ट बताने का मकसद ये है कि हमारे पास ये जो काउंटिंग सीक्वेंस चल रही है, हम अब ये जो ट्रांजिशन है ये इस काउंटिंग सीक्वेंस पे अप्लाई करेंगे कि ये जो काउंटिंग हमारे पास 0 0 0 से चल रही है, नेक्स्ट स्टेट आएगी 0 0 1 आ रहा है, तो अब इधर हमारे पास जहां जहां 0 से 0 हो रहा है उधर हम लोग क्या करेंगे, जे और के को 0 और एक्स रख देंगे। जहां 0 से 1 या 1 से 0 हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे टेबल में देखेंगे और आउटपुट जनरेट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज स्टेप फोर। इन स्टेप फोर क्या करना है, वी हैव टू ट्रांसफर जे एंड के स्टेट्स फ्रॉम ट्रांजिशन टेबल टू कार्नोट मैप। अब हमारे पास क्या होगा कि क्योंकि जब हम लोग काउंटर डिजाइन कर रहे थे तो हम जे के फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स को डिसाइड करते हैं,
उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें जे के इनपुट्स फाइंड आउट करने हैं यूजिंग दी स्टेप थ्री टेबल जो कि ट्रांजिशन टेबल है। तो स्टेप फोर थोड़ा गौर से देखें, बिकॉज दिस स्टेप इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है कि अब हम जब काउंटर डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक हमें कंडीशन पता है कि भाई क्या चीज किस तरह से वर्क कर रही है। स्टेप फोर में आना है, तो उससे पहले हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे काउंटर डिजाइन दिया हुआ है ये यूज कैसे होगा, उसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें कि भाई लेट से हमारे पास एक डाटा है उसकी प्रेजेंट स्टेट है 0 0 0 यानी कि इनिशियल स्टेट। अब क्या होगा जब ये 0 0 0 से नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा 0 0 1, तो हमें ये पता है कि ये क्यू नॉट का आउटपुट है, ये क्यू वन का है और ये क्यू टू का है, बिकॉज इसी तरह से ये वर्क कर रहा होता है। इट मीन्स कि नेक्स्ट स्टेट पे जब ये जाएगा तो क्यू नॉट जो है ये प्रेजेंट स्टेट से कहाँ चले जाएगा, नेक्स्ट स्टेट पे 1, यानी कि ये 0 से 1 ट्रांजिशन होगा। अब 0 से 1 ट्रांजिशन के लिए मैं यहाँ इस टेबल में देखूंगा कि 0 से 1 के लिए इनपुट्स क्या होने चाहिए, जे मस्ट बी 1 और के ऊपर डोंट केयर। तो मैं ये दो पॉइंट्स क्या करूंगा, ये दो पॉइंट्स मुझे कार्नफ मैप में प्लेस करने होंगे। ठीक है, इसी तरह अब मैं मेरे पास ये तो क्यू नॉट का हो गया ना, मेरे पास क्यू वन भी है क्यू टू भी है। अब 0 0 0 से 0 0 1 जा रहे हैं, इट मीन्स क्यू वन एंड क्यू टू विल रिमेन 0। तो क्यू वन एंड क्यू टू के अगर मैं इनपुट्स की बात करूंगा तो वो 0 से 0 ही रह रहे हैं। इट मीन्स क्यू वन और क्यू टू के जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके इनपुट्स पे क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी 0 और के मस्ट बी डोंट केयर। ठीक है, अब ये वैल्यूज हमें क्या करनी है, ये वैल्यूज हमें कार्नफ मैप में प्लेस करके एक टेबल बनाना है। कार्नफ मैप पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हम डाटा प्लेस कर रहे होते थे। अब यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे, हम ट्रांजिशन को देखते हुए डेटा प्लेस करेंगे ताकि हमें वहां से क्या हो, हर फ्लिप फ्लॉप के ऊपर जे और के अक्रॉस इक्वेशन पता चल जाए। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे अगर मैं कहूँ फर्स्ट, ये जो मेरे पास एक टेबल था प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट वाला, वो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ और इधर मैं क्या करूँ, जे नॉट और के नॉट दोनों के इनपुट्स के लिए मैं मैप बना दूँ। एक मैंने मैप बनाया जिसमें मैं जे नॉट के इनपुट्स प्लेस करूँगा, एक मैंने मैप बनाया जिसमें मैं के नॉट के इनपुट्स प्लेस करूँगा। ये मेरे पास 3 बिट क्या है, मेरे पास यहाँ पे 3 बिट काउंटर बनना है। तो जिस तरह ये जे नॉट के नॉट है, इसी तरह जे वन के वन होगा और फिर जे टू के टू होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 3 बिट काउंटर है, इट मीन्स इट विल हैव 3 इनपुट्स। 3 इनपुट्स हैं, 2 को मैंने वाई पे ले लिया, 1 को मैंने एक्स पे ले लिया। ठीक है, दिस इज क्यू नॉट, दिस इज क्यू वन, दिस इज क्यू टू। अब यहाँ पे हमारे पास जे नॉट की वैल्यू क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट स्टेट अगर हम देखना चाहें, तो अब यहाँ पे किस तरह से ये चीज देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि यार ये 0 0 0 से हो रहा है 0 0 1। इट मीन्स क्यू नॉट हमारे पास क्या हो रहा है, क्यू नॉट हमारे पास 0 से 1 हो रहा है। अब जब क्यू नॉट हमारे पास 0 से 1 हो रहा है, एट दैट पॉइंट हमारे पास जे पे क्या होना चाहिए और के ऊपर क्या होना चाहिए, तो हम इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है, अब यहां से अभी नेक्स्ट स्टेट पे जा रहा है तो ये क्यू नॉट 0 से 1 हो रहा है। अब 0 से 1 होने पे इस जगह पे क्या ट्रांजिशन है वो देख के उसकी वैल्यू डालनी होगी। 0 से 1 होने पे जे है 1 और के है डोंट केयर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फर्स्ट बॉक्स में जे वाले में 1 डाल दूंगा, जे नॉट में, के नॉट में मैं डोंट केयर डाल दूंगा जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं नेक्स्ट उस पे चले जाता हूँ, लेट से यहाँ पे
विच इज 001। अब 001 पे अगर मैं यहां आता हूं, दिस इज 001, 001 से नेक्स्ट शेड आ रही है 011। इट मींस हमारे पास क्यू नॉट की अगर अब हम बात करेंगे तो क्यू नॉट क्या होगा, क्यू नॉट हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हम जे नॉट के नॉट देख रहे हैं तो अभी फिलहाल फोकस हमारा क्यू नॉट पे है। जे वन के वन देखेंगे तो हमें क्यू वन देखना पड़ेगा, जे टू क्यू टू देखेंगे तो हमें क्यू टू देखना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पे ये वन से वन ट्रांजिशन हो रही है। वन से वन ट्रांजिशन को अगर मैं देखता हूं, विच इज हेयर, वन से वन ट्रांजिशन पे जे पे आ रहा है एक्स, डोंट केयर, यानी के पे आ रहा है जीरो। इट मीन्स मैं यहाँ जे पे रख दूंगा डोंट केयर, के पे रख दूंगा जीरो। इसी तरह मैं इसी काउंटिंग में, लेट्स से मैं इस पॉइंट पे आता हूँ 101। अब 101 से मैं जाता हूँ नेक्स्ट प्लेट के ऊपर 100, यहाँ पे मैं देखता हूँ तो क्यू नॉट को अगर मैं देखूँ ये वन से जीरो हो रहा है। अभी मैं जे नॉट के नॉट का मैप देख रहा हूँ इसलिए मैं जस्ट क्यू नॉट की बात कर रहा हूँ। यहीं इसी तरह जे वन के वन का मैप आएगा, जे टू के टू का आएगा। पहले हम जे नॉट के नॉट को देख रहे हैं इसलिए मैं सिर्फ उसके ट्रांजिशन के इनपुट्स यहाँ पे डाल रहा हूँ। वन से ये हो रहा है जीरो, वन से जीरो होने पे जे तो है मेरे पास डोंट केयर, और के क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो पहले तो मैं इस पोजिशन में जाऊंगा 101, विच इज 101, ये पोजिशन आ गई। अब इधर हमारे पास जे के ऊपर देखा जाए तो क्या आ रहा है, डोंट केयर, तो जे में डोंट केयर आ गया, और के पे आ रहा है वन, तो के वाले में वन आ गया। तो दिस इज हाउ, क्या करेंगे हम लोग, वी कैन फिल दिस मैप फॉर ईच इनपुट, यानी कि राइट नाउ हम लोग जे नॉट के नॉट की बात कर रहे हैं। देन फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह हम जे नॉट के नॉट अभी हम देख रहे थे, हम इसी तरह जे वन के वन पे आएंगे, फिर जे टू के टू पे आएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने इससे पहले अभी स्लाइड में दिखाया है ये जस्ट एन एग्जाम्पल, ये किस तरह से इसको फिल आउट करना है, और ये सारे पॉइंट्स, ये सारे एरियाज इसके क्या होंगे, ये सब फिल आउट होंगे। ये सब फिल होंगे तो हमारे पास इस तरह से 6 K मैप्स बनने हैं, बिकॉज 3 काउंटर हैं, हर काउंटर पे 6 इनपुट्स हैं जी और के, तो हर इनपुट का यहाँ पे के मैप बनेगा। और ये जो के मैप यहाँ पे बना रहे हैं इसका मकसद ये है कि अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम इसको पेयर्स में या फिर सेट की फॉर्म में क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, ताकि इसको हम मिनिमाइज कर सकें, जैसे पहले के मैप में हमने देखा था। अब यहाँ पे एक चीज शायद आप लोगों को याद हो कि डोंट केयर स्टेट ऐसी स्टेट है जो कि वन के साथ भी यूज हो सकती है और जीरो के साथ भी। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर हम उस डोंट केयर को यूज करेंगे विथ जीरो, सॉरी वन, कि भाई वन से इसको हमने क्या किया, पेयर कर दिया। तो यहाँ पे देखा जाए ये पेयर बन रहे हैं, और ये आपको पता है के मैप से जब हम लोग वन को अगर पेयरिंग में लेके आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एसओपी आता है, सम ऑफ प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पे जे नॉट की इक्वेशन आ गई क्यू टू क्यू वन बार और प्लस क्यू टू क्यू वन, के नॉट की इक्वेशन आ गई क्यू टू बार क्यू वन और प्लस क्यू टू क्यू वन बार, इसी तरह जे वन की इक्वेशन आ गई क्यू टू बार क्यू नॉट, के वन की इक्वेशन आ गई क्यू टू क्यू नॉट, देन जे टू की इक्वेशन आ गई क्यू वन क्यू नॉट बार, और इसी तरह हमारे पास के टू की इक्वेशन आ गई क्यू वन क्यू नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हमारे पास ये एक इक्वेशन की फॉर्म में ये सब के सब रीअरेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें मैं जितनी यहाँ भी इक्वेशन बनाई हैं इन इक्वेशंस को मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशंस आ गई हैं। अब मैं इन इक्वेशंस का फायदा क्या है, मैं इन इक्वेशंस के हिसाब से इसमें गेट प्लेस करूंगा तो क्या होगा, तो मेरे पास जो काउंटिंग होगी इस काउंटर में वो ग्रे कोड को फॉलो कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब अगर हम देखते हैं तो
तो भाई फर्स्ट में था हमारे पास क्यू टू क्यू वन प्लस क्यू टू बार क्यू वन बार, ये बराबर होता है क्यू टू एक्स नॉर क्यू वन के। सेकंड में था हमारे पास क्यू टू क्यू वन बार क्यू टू बार क्यू वन, ये हमारे पास बराबर होता है क्यू टू एक्स नॉर क्यू वन के। देन जे वन हमारे पास क्यू टू बार क्यू था, देन के वन के जे टू एंड के टू। अब यहाँ पे हमारे पास इन इक्वेशन को क्या करेंगे, अब हम तीन काउंटर लगाएंगे और उन तीनों काउंटर में जो कनेक्शन होंगे जे नॉट के नॉट जे वन के वन जे टू के टू के, उनके ऊपर हम ये आउटपुट्स को कनेक्ट कर देंगे जिस तरह से यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं कि मैं इसी पार्ट को क्या कर रहा हूं, मैं अब इसी पार्ट को फ्लिप फ्लॉप पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या होगा, ये जो पार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है दिस इज दी काउंटर फॉर ग्रे कोडिंग, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये काउंटर हमारे पास ग्रे कोडिंग को फॉलो करेगा। यानी कि अब मैं यहाँ पे नोट करें एक चीज के जे नॉट और के नॉट, जे नॉट पे मेरे पास इक्वेशन क्या थी क्यू टू एक्स नॉर क्यू वन, तो यहाँ देखें ये दिस इज जे नॉट। अब जे नॉट पे क्या आ रहा है मेरे पास क्यू टू का इनपुट आया और दूसरा आया हमारे पास क्यू वन का इनपुट यहां से, और ये क्या हो गया एक्स नॉर हो गया। के नॉट पे हमारे पास क्यू टू क्यू वन एक्सॉर था, तो देख लें क्यू टू और क्यू वन के इनपुट्स इधर आके इस तरह से कनेक्ट हुए। फिर इसी तरह हमारे पास क्या होगा, इसी तरह जे वन के वन पे ऊपर यही गेट्स इसी तरह आएंगे जो इक्वेशन में थे, और फिर जे टू के टू पे, और क्लॉक इन सब में क्या होगी कॉमन हो जाएगी बिकॉज हम यहाँ पे सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास काउंटर क्या हो रहा है डिजाइन हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास स्टेप्स थे इसके। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास 6 स्टेप्स थे जिसको यूज करते हुए वी कैन डिजाइन एनी काउंटर। ठीक है, दिस इज अ जनरल सिक्वेंशियल सर्किट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास उन्हीं गेट्स को क्लॉक को आउटपुट्स को। ठीक है, तो यहां हमने इस तरह से क्या किया डिजाइन ग्रे कोड काउंटर। तो इन केस हमें कहीं पे भी स्पेशल सीक्वेंस रिक्वायर्ड है तो हम इसी तरह से काउंटर को डिजाइन कर सकते हैं। इट अप टू अस कि भाई हमें किस सीक्वेंस को फॉलो कराना है। तो अगेन दिस इज हमारे पास ये अगर देखा जाए तो ये वही एग्जांपल है। ठीक है, किस तरह से यहाँ पे आउटपुट्स आएंगे उसी को अगेन बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास वही काउंटर डिजाइन हुआ हुआ है और इसको यहाँ पे क्या किया मल्टीसिम सॉफ्टवेयर पे डिजाइन करके टेस्ट करा है कि आइदर ये आउटपुट सही दे रहा है या नहीं दे रहा। तो यहां से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका डाटा है ये ग्रे काउंटिंग को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से काउंटर डिजाइनिंग कंप्लीट हुई। अब कैस्केडिंग काउंटर्स क्या होता है, अभी हमने काउंटर जो देखा वो 3 बिट का था। ठीक है, आईसी फॉर्म में मैं कहता हूँ मेरे पास 4 बिट का काउंटर है बट मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ आई वॉन्ट 8 बिट। तो उधर हमारे पास एक ऑप्शन ये आता है कि हम यहाँ पे एक पेन होती है इसके अंदर टी सी एन सी टी एन, इसका काम ये होता है कि ये हमारे पास क्या होगा कि अगर ये पिन हम लोग आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो इससे हमारे पास जो काउंटिंग है
इसमें क्या होगा, ये हमारे पास इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट काउंटर के लिए हमारे पास ये क्या है, जो टर्मिनल काउंट है इट हैज टू बी कनेक्ट विद C10, और जो फर्स्ट काउंटर होगा उस पर जस्ट हम हाई दे देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि हमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे टर्मिनल काउंट को यूज करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास, हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से 4 बिट से 8 बिट काउंटर तक या मोर देन दैट जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है कि भाई व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कैस्केडेड डिविजन 16 काउंटर। वह 16 काउंटर अगर है मेरे पास, तो ऑब्वियस है कि इसकी जो, मैं अगर ट्रांजिशंस की बात करूंगा तो 4 बिट में अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे 16 है। 8 बिट अगर होगा तो मैं 2 की पावर 5, 6, 7, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास 2 की पावर 8 होगा 256। यानी कि अब हमारे पास अगर फ्रिक्वेंसी स्टार्टिंग की है 100 किलोहर्ट्स, तो ये एक्चुअली क्या होगी, ये फ्रिक्वेंसी जो है ये डिवाइड बाय 16 हमारे पास आउटपुट पे आ रही है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल अगर मैं आउटपुट फ्रिक्वेंसी यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे जो मेरे पास फ्रिक्वेंसी अगर मैं देखूँ एफ आउट टर्मिनल काउंट के ऊपर, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास हर काउंटर की फ्रिक्वेंसी डिवाइड हो रही है। यहाँ पे होगी 100 किलोहर्ट्स, यहाँ पे 50, यहाँ पे 25, इधर आऊंगा 12.5। ठीक है, इसी तरह मजीद इसका हाफ होगा 60.25, 3.75, सो ऑन। तो ये क्या होगा हमारे पास एट दी एंड, हमारे पास ये 256 टाइम्स डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम इसको देखते हैं तो ये कैस्केडिंग काउंटर है। अब हमारे पास इसी तरह काउंटर डिकोडिंग एक और कंडीशन आ जाती है, जिसके अंदर हमारे पास होता ये है कि हम एक स्पेसिफिक डिजिट को काउंट करने के लिए, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक जो डिजिट को अगर क्या करना डिटेक्ट कराना है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या है काउंटर डिकोडिंग यूज कर लेते हैं। कि भाई मैं कहता हूँ कि यार मुझे जो है स्पेसिफिक एक आउटपुट डिटेक्ट करवाना है। ठीक है, लेट से हम यहाँ पे अगर काउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि इधर हमारे पास 100 डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एंड गेट के ऊपर Q0, Q1 और Q2 को कनेक्ट कर दिया। जब ये तीनों 1 होंगे तो हमारे पास इधर 1, इधर 0 आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पेसिफिक अगर नंबर को हमें डिटेक्ट करना है तो वो भी हम गेट के थ्रू कर सकते हैं, जिसको हम काउंटर डिकोडिंग का नाम देंगे। ठीक है, तो भाई हमारे पास यहाँ पे जो नंबर डिकोड होके आ रहा होगा उसको अगर हम देखें, तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि इट शुड बी 100, यानी कि 2 की पावर 2 पे ये हाई होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 पे लो होगा, विच इज इक्वलन टू डेसिमल 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये 4 को डिकोड करके शो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास काउंटर का पार्ट था। क्योंकि अभी मैंने डिस्कस करा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे स्लाइड को यहीं तक रख रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक